हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम काले लिनक्स 2020.1 में गूगल क्रोम को इजीली इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली टेक रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो है ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। तो मैंने देखिए अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लिया है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हम नए टैब में टाइप करेंगे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम टाइप करने के बाद हम एंटर कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारे जो गूगल क्रोम की फर्स्ट लिंक है उसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से आप अपने डाउनलोड क्रोम पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपको 64bit.deb चूज़ करना है जो कि हमारा डेबियन के लिए है। दुनिया से आप नीचे जाएंगे, अगर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। दुनिया से आप सेव फाइल सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो हमारा जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा जो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। देन हम अपने जो है टर्मिनल पे जाते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। देन वहाँ पे हम टाइप करते हैं apt-get update जो कि हमारा सिस्टम अपडेट के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम अपडेट होने देते हैं। ये देखिए जो आप सब देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम है वो हमारा अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा गूगल क्रोम की फ़ाइल है वो कितनी डाउनलोड हो चुकी है। देखिए जो हमारी जो फ़ाइल है वो भी डाउनलोड होने वाली है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं इसके डाउनलोड होने तक का। देखिए हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। देन हम अपने ब्राउज़र को क्लोज़ करते हैं। देन मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरी फ़ाइल है वो कहाँ पर सेव्ड है। देख सकते हैं हमारी जो फाइल है डाउनलोड मैनेजर में सेव्ड है, तो इसको मैं डेस्कटॉप पे ले जाऊंगा। मैं इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरी फाइल है जो डेस्कटॉप पर पहुँच जाएगी। देख सकते हैं मेरी जो फाइल डेस्कटॉप पर पहुँच चुकी है। देन मैं अपना टर्मिनल वापस ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं टाइप करूँगा cd desktop। कमांड थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पर। फिर मैं अपना टाइप करूँगा ls। तो आप देख सकते हैं हमारे जो गूगल क्रोम की फ़ाइल का नाम है ये कुछ ऐसा दिखता है। देन नीचे हम टाइप करेंगे, देन अपनी कमांड टाइप करेंगे dpkg --i स्पेस जो गूगल क्रोम की फ़ाइल का नाम है उसको मैं कॉपी करके डाल दूंगा। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा। तो देख सकते हैं हमारा जो पैकेज है वो अनपैक होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे इसके लिए। देखिए हमारा जो है फाइल अनपैक हो चुकी है। देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे apt-get --install --f। देन यहाँ एंटर कर देंगे। देख सकते हैं हमारा जो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। देन यहाँ से हमें कॉन्फ़िगर कर रहा है तो हम वाइट टाइप करके एंटर कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। देख सकते हैं हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीट होने वाला है। देखिए हमारा जो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है। इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद हम टाइप करेंगे nano /opt/google/chrome/google-chrome। देन यहाँ से हम इसको एंटर कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारा जो नैनो का एडिटर है वो ओपन हो चुका है। सबसे नीचे जाएंगे आपको ये लाइन दिखेगी। इस लाइन के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट दूंगा, उसको आपको ऐड करना है। तो वो टेक्स्ट है हमारा --user-data। --dir --no
डैश सैंडबॉक्स। इसको टाइप करने के बाद हमें जो है कंट्रोल एक्स दबाना है सेव करने के लिए। यहाँ पे हमें वाई प्रेस करना है, वाई प्रेस करने के बाद एंटर कर देना है तो हमारी जो फाइल है वो हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें इसको हमें टर्मिनल को क्लोज कर देना है। देन यहाँ पे हमें गूगल सर्च करना है, गूगल क्रोम। ये देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम आ चुका है, यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। ये देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, यहाँ से अपना बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।